अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा आज क्यों ना कोई ऐसी मज़ेदार चीज़ बनाई जाए जो आपके दस्तरखान को रौनक बख्शे। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें हमने एक बाउल ले लिया है। इस बाउल के अंदर हम शामिल करेंगे उबले हुए पोटैटोस। 3 पोटैटो हमने ले लिए हैं आलू और उनको मैश कर लिया है। इसके अंदर 3 खाने के चम्मच धनिया और सब्ज़ मिर्च जो है वो काट के शामिल कर लेंगे। वो आपकी मर्ज़ी, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। बारीक बारीक कटी होनी चाहिए। और साथ ही इसके शामिल करेंगे हम 1/2 खाने का चम्मच काली मिर्च, 1/2 खाने का चम्मच। अब इसमें शामिल करेंगे हम नमक हसबे जायका, ये जी हमने ले लिया चिकन पाउडर, इसको 1/2 आप ले लें चाय का चम्मच। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। पहले ही हमने जो अपने स्लाइस हैं उनको काट लिया उनके एजेस को, और अब इसको अच्छे तरीके से पानी में भिगो लेते हैं। आप चाहे तो दूध भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से पानी निचोड़ के निकाल लिया। अब इसके दरमियान में हमने जो अपना मसाला रेडी किया था वो रेडी करके आप अपनी मर्जी की शेप जो है इस रोल को दे लें। इसके एजेस को भी थोड़ा थोड़ा दबा लेते हैं ताकि ये खुले नहीं और हमारा मसाला बाहर नहीं आए। इसी तरह एक एक करके हम सारे जो हैं अपने रोल बना लेंगे। पहले पानी में डिप कर लेना है, ब्रेड को अच्छे तरीके से इसका पानी निकाल देना है। और अब इसके अंदर हम शामिल कर लेते हैं आलू। आलू का मसाला हमने शामिल करने के बाद इसको हल्का हल्का सो रोल करेंगे, दबाएंगे, और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती इसकी शेप, ठीक है। आप जैसे चाहें इसको शेप आप दे सकते हैं। अब ये सारी साइडों से हमने इन रोल्स को बना लिया। इसी तरह करके आपने सारे रोल अपने तैयार कर लेने हैं। ये देखें रोल हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसको पहले हम अंडे को आपने बीट कर लेना अच्छे तरीके से, अंडा लेके फेंट लें। और फिर उसके बाद इसको अंडा लगाने के बाद हम ब्रेड क्रम्स जो हैं यानी कि डबल रोटी जो है आप उसको ले लें ताज़ी को। बेशक ये जो किनारे आपने उतारे हैं इसको आप ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें और ताज़े आप जो हैं ब्रेड क्रम्स बना लें, ठीक है। अब इसको भी हम सारी साइड्स पे लगा लेते हैं। ये देखें इसी तरह हम दूसरे को भी कर लेंगे रोल को। आप चाहें तो खुले बर्तन में भी डाल सकते हैं अपना अंडा, और आप इसको सारी साइड से, कब आपने अंडा लगा लिया, अब इसको ब्रेड क्रम्स में रोल कर लेते हैं। दबाते नहीं है कभी भी ब्रेड क्रम के अंदर डाल के, ये बात आपने याद रखनी है। अब ये हमारे रोल्स तैयार हो गए हैं। चलें जी ये देखें, और बहुत सारे रोल्स आपके बन जाते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा मसाला ऐड होता है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमने पहले ही गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है क्योंकि इसमें पकाने वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। बस हमने इसको एक गोल्डन कलर देना। थोड़ी देर बाद आप साइड चेंज कर लें और इस साइड से भी फ्राई कर लें आप इसको, और आप ये देखेंगे कि कितनी जल्दी ये हमारे पोटैटो रोल्स तैयार हो गए हैं। ये देखें, आप इसको सब्ज़ चटनी से भी खा सकते हैं और केचप से भी। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगली रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।